शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा बोले, हम यही कहेंगे ना, बाप दादा बोले, क्योंकि शिव बाप भी है तो ब्रह्मा बाप भी है। शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो आज विशेष बाबा ने क्या कहा होगा। शिव के लिए कहते हैं, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव का भंडारा भी भरपूर तो भंडारी भी भरपूर। जिन शिव को कहते हैं ये शिव भोला भंडारी, और इतना भोला भंडारी है जो सब अपने बच्चों पर लुटाता है, ज्ञान रत्न भी लुटाता है, पालना भी कितनी अच्छी करता है, पढ़ाता भी कितना बेहद रूप में है, और फिर सदगति भी करता है। तो तीनों ही पार्ट इस समय बाबा बजा रहे हैं भोला भंडारी बन करके। तो इस भोले भंडारी से हम जितना फायदा लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर धर्मराज का रूप हो जाएगा, अभी तो भोला भंडारी के रूप में है। जितना लूट सको तो लूटो, ऐसे कहते ना, भंडारा खुला है, ज्ञान रत्न भी खूब लूटो, इतने भरपूर हो जाओ जो सतयुग में माला माल हो जाओ। इतना भरपूर बाबा हमें करते हैं। फिर काल कंटक भी दूर हो जाते हैं, अकाले मृत्यु तो कभी होगी ही नहीं भविष्य में, काल पर विजय पा लेते हैं, सब कंटक मना विघ्न सब दूर हो जाते हैं। बाबा बच्चों को ही विघ्न विनाशक बना देते हैं, सतयुग में कोई विघ्न नहीं होंगे। और आज तो छठ पूजा भी है, तो छठ पूजा के दिन क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, सूर्य का शुक्रिया करते हैं। तो सूर्य कौन है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नया जीवन बाबा ने हमें दिया है, नया संसार हमें दिया है, नया ज्ञान दिया है, सब कुछ नया ही नया। तो ऐसे शिव बाबा को हम कितना धन्यवाद करें, और धन्यवाद करने का समय अभी है। सतयुग में तो इतनी प्राप्ति हो जाएगी पर धन्यवाद नहीं कर सकेंगे शिव बाबा को, पता ही नहीं होगा कि ये शिव बाबा ने हमें दिया है। अभी पता है कि शिव बाबा दे रहे हैं, तो हर वक्त हम धन्यवाद धन्यवाद बाबा का कर सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 7/11/2024 है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कितनी खुशी की बात है, कितना नशा, सारे हमारे भंडारे भरपूर कर देते हैं बाबा हमारे। कहा भी जाता है, भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में इतना भंडारा भरपूर करके हमको ज्ञानवान बना देते हैं, पूरे ज्ञान स्वरूप बना देते हैं। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा, अगर वो भंडारे से हम भरपूर हो रहे हैं तो किस एक बात पर पूरा निश्चय होगा। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा। उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है, कल ड्रामा की बात बाबा ने कही ना परसों, तो हमारा जो पार्ट है वो कभी घिसता मिटता नहीं है। ये पार्ट नहीं होता, वो पार्ट होता, ये नहीं होता, वो होता, ये घिसता
नहीं है हमारा पार्ट, इसलिए जो पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। न किसी से ईर्ष्या करनी है, न किसी को कोई गिराने की कोशिश करनी है। तो बाबा कहते हैं उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। तो न किसी के पाठ से हमें ईर्ष्या है, न नफरत है, कुछ भी नहीं। हर एक अपना अपना पाठ बजाता है। मुझे अपने पाठ में स्थिर रहना है। कई बार होता है ना, ड्रामा होना होता है, तब हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और हर एक को अपने अपने समय पर स्टेज पर जाना है। तो उस अभी तो क्या है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई है, तो रिकॉर्ड चलता रहता है और वो ऐसे मुख चलाते हैं, उनको कुछ याद करना नहीं पड़ता है। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो वो रिकॉर्डिंग होती थी परंतु सब याद करना पड़ता था। तो हर एक वो ग्रीन रूम में क्या होता है, हर एक अपना अपना पार्ट याद कर रहा है, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे बोलना है। दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, वो याद करेगा। तो बाबा कहते हैं बेहद ड्रामा में भी ऐसे ही है, मुझे क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है वो उसका हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। निश्चय नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं, बाबा क्या सेवा करते हैं। इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप का भी पार्ट है तो टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं, बजा रहे हैं ना बाबा तीनों पार्ट, और बहुत अच्छे बजा रहा है। तुम जानते हो वो बाप भी है तो सदगति देने वाला गुरु भी है, और सबके लिए, सबके लिए, ऐसे नहीं कि थोड़ों के लिए, सबको तो ले जाता है ना घर, सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है, सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबर वार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहना चाहिए। विराट रूप में क्या आता है, हाँ, हम देवता थे, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर घर जाएंगे, ये विराट रूप का चित्र है। बाबा कहते वो भी याद रहना चाहिए, सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहना चाहिए। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, ये तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होगी, और किसको थोड़ी मालूम है कि हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, अब शूद्र बने हैं, फिर भगवान के बनते तो ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं, फिर बिंदु बनते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होगी। उत्थान और पतन का सारा रास भी तुम्हारी बुद्धि में रहे। हम इतने ऊंचे थे, फिर हम ही ऐसे नीचे गिरे, ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये है तो सदा याद रहना चाहिए। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब क्या है, अब कहाँ हैं हम, पतन में है या उत्थान में, अभी बीच में है। बाबा कहते पतन से उत्थान की ओर जा रहे हैं,
तो बाबा कहते अभी बीच में हैं, शूद्र भी नहीं हैं और पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं, क्योंकि अगर निश्चय डावाडोल हुआ तो ब्राह्मण कहाँ हुए, अगर थोड़ा कुछ विकार का अंश है तो ब्राह्मण कहाँ हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं शूद्र भी नहीं है पर पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी कमियाँ तो होगी ना। अगर अभी ब्राह्मण पक्का बन जाए, हाँ अभी अगर पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र पने की एक्ट एक भी ना हो। शूद्र पने की एक्ट बीच बीच में होती है तो उसका मतलब पूरे ब्राह्मण नहीं है ना। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, बने ब्राह्मण पक्के बने फिर कहीं शूद्रपना आ जाता है। ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं, कब से पाप शुरू किए हैं, हाँ द्वापर युग से। देह अभिमान आया पहले, फिर काम विकार आया, फिर एक 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 विकार आते गए तो पाप कर्म होते गए। तो बाबा कहते हैं तो ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं, जब से काम चिता पर चढ़े हो। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ज़रूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, हाँ फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनास्टी में आएंगे, तो बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये विराट रूप कहो, बाजोली कहो, हाँ चक्र घुमाना कहो। तो बाबा कहते फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। देवता ऐसे थोड़ी फट से बन जाएंगे ब्राह्मण से देवता, ब्राह्मण बन फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, हाँ फिर फरिश्ता बन फिर घर जाकर फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत ईजी कर समझाते हैं, हाँ सिर से लेके पैर तक। तो बाबा कहते ये बाजोली है तो ये बहुत ईजी करके समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। अब शिव बाबा के हल्का कैसे बनाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे, बिंदी समझ और झट भागेंगे। हाँ अभी तो थोड़ा भारीपन है ना तो भाग नहीं सकते परम धाम, पर जब बिल्कुल बिंदी बन जाएंगे और कुछ याद नहीं सब बोझ बाबा को दे दिया तो फिर बिंदी बन बाबा के पास झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे, ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है और तो किसके पास है ही नहीं, न कि शूद्रों के पास, शूद्रों के पास कहाँ होगा, हम ब्राह्मणों के पास ही है। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं, कितने चित्र है भक्ति मार्ग में बात मत पूछो, पर बाबा कहते हैं ये सब डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड है, क्योंकि रियल तो है नहीं ना। अभी लक्ष्मी नारायण भी बल बनाते हैं, श्री कृष्ण का भी बल चित्र बनाते हैं, लेकिन सतयुग में जो ओरिजिनली श्री कृष्ण होगा वो तो चित्र यहाँ बना भी न सके। ऐसे है ना, मिसाल देते दादी गुलजार जब शुरू शुरू में आई, बाबा के सामने आई और बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई, पहले दिन से ध्यान में चली गई और उसने श्री कृष्ण को देखा। अब इतनी वो शाय थी, मना बोलती नहीं थी शुरू से, बोलने का जैसे ज़्यादा एक शब्द बोला फिर बंद, अंत यही संस्कार था,
बाप दादा तो कितना सुनाते थे, पर दादी गुलजार बहुत शांत रहती थी शुरू से। तो जब वो वापस लौटी तो एकदम जैसे उस मस्ती में थी, क्योंकि स्वर्ग में श्री कृष्ण देखा। तो कईयों ने पूछा, क्या देखा क्या देखा, आप पूछते रहे। अब वो जवाब ही न देवे, जवाब ही न देवे। फिर श्री कृष्ण का चित्र ले आए, ये देखा, कहती नहीं, ये देखा श्री कृष्ण के कई रूप, लक्ष्मीनारायण बहुत कुछ चित्र लाए, नहीं भाई क्यों नहीं, यही तो देखा है। लेकिन जो उसने श्री कृष्ण को जिस रूप में वतन में देखा या श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, वो तो ये चित्र तो कुछ भी नहीं उसकी भेंट में, तो कैसे कहेगी मैंने ये देखा। तो इसीलिए वो बोल भी नहीं सकी और इतना शाय बिल्कुल जैसे चुप रहती थी सदा। तो बाबा कहते सब डिफेक्टेड है। क्यों डिफेक्टेड है? क्योंकि वो ओरिजिनल तो है ही नहीं। अब लक्ष्मी नारायण का भी चित्र बाबा ने कैसे बनवाया? ध्यान में जाती थी शील इंदिरा दादी और फिर आर्टिस्ट को वापस आके बताती थी, ये लगाना है, ये लगाना है, ये कपड़े ऐसे कपड़े ये है। फिर वो पूछता था, फिर वो ध्यान में जाती थी, फिर वो देखती थी और फिर उस अनुसार बताती थी। इसीलिए वो कितना एक्यूरेट चित्र है लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा कहते हैं तो ये सब डिफेक्टेड है, तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो, तुम एक्यूरेट बनते हो तो ये चित्र भी तुम्हारे पास एक्यूरेट है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना, भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़ी तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे फिर नीचे गिरे, हाँ ये थोड़ी पता था। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना, हाँ प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं तो ज़रूर एडॉप्ट होने चाहिए। हाँ ये कुक वंशावली थोड़ी होंगे इतने बच्चे, तो एडॉप्टेड बच्चे ही होंगे। कितने एडॉप्टेड बच्चे हैं, आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हैं, पर ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे, शिव बाबा के तो अनादि बच्चे है ही हैं। तो कितने एडॉप्टेड हैं, आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर चली जाती है, तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो आत्मा भी एक स्टार है, पर अंदर कितना बड़ा पार्ट है, उस स्टार के अंदर कितना बड़ा पार्ट है। तो दूर से तो छोटे दिखाई पड़ते लेकिन है तो बहुत बड़े ना। तो आत्मा, हाँ तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ साइज बिल्कुल स्टार जैसे एकदम बिंदी, वही बढ़ती घटती नहीं है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ तो क्या बड़ा या छोटा होता है, क्या होता है? तुम्हारा मर्तबा छोटा या बड़ा होता है। जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार मर्तबा मिलेगा, हाँ स्टेटस मिलेगा। वो किसका ऊंचा स्टेटस किसका कम स्टेटस वो ज़रूर होगा, पर आत्मा की साइज बड़ी छोटी नहीं होती है। उनको भी सूर्य देवता चंद्र देवता कहते हैं, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब है नक्षत्र सितारे, तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी है। यहाँ आकर पाठधारी बनती है, देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं, सोचो कितना पावरफुल बनेंगे, बन रहे हैं जो सारे विश्व पर राज्य करेंगे, बहुत पावरफुल बनते हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है ना, सब नंबर वार होंगे इसीलिए पद भी उसी अनुसार नंबर वार मिलेगा।
तो आत्माओं में भी थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहेगा। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है और कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। हाँ, सजा से बनती है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा ना। कोई बिल्कुल योग से ही पूरा पावन बने और कोई थोड़ा सजा से बने, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं नंबर वार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। तो बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो ज़रूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, जानेंगे थोड़ा बहुत तो जानेंगे कि भगवान आया लेकिन हमने पहचाना नहीं। तो बाबा कहते इतना तो समझेंगे, पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है कि बाप आया हुआ है। अभी भी कहते कहाँ न कहाँ आया हुआ है ज़रूर, क्योंकि भगवान को इस समय आना है, बहुत धर्मग्लानी हो गई है, तो पता पड़ता है कि बाप आया हुआ है कहाँ। अभी तो कोई कोई कहते हैं भगवान ज़रूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो, क्या बनते हो? हाँ, एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत और तीसरी है देवता मत। तो देवताओं को भी मत किसने दी? जो देवता बने, ईश्वर ने दी तभी तो देवता बने। बाप ने दी, बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि मनुष्य को। ये टाइटल श्री श्री केवल एक शिव बाबा का ही है, मनुष्य का नहीं है। क्योंकि श्री को बनाने वाला श्री श्री, अब श्री फिर टाइटल बाबा कहते, ये देवताओं का है। आज के मनुष्यों को कहाँ श्री भी कह सकते हैं। तो वो श्री 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 को भी श्री बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं देवताओं को भी श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, तो उनको ही श्री श्री कहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा, ये समझाने के बाबा कहते हैं तुम ही निमित्त बने हुए हो कि श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग तो शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले लेते हैं, तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, श्री श्री ये भगवान का टाइटल है, कहाँ ये बाप का टाइटल, कहाँ ये पतित मनुष्य अपने पर रखते हैं, अपने पर रखवाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवताएं हैं। श्री का टाइटल भी उनको ही शोभता है, किसी मनुष्य को भी श्री का टाइटल नहीं शोभता। और श्री श्री तो केवल परमात्मा को ही टाइटल शोभता है। तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवताएं हैं ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। फिर रजो तमो, रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, न कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ भी नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। ज्ञानवान किसको कहेंगे, जो पूरा समझदार बनता है। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान भी बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है, कौन सा शिव बाबा का भंडारा,
हाँ, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर। सागर कहते हैं ना, सागर देवता, वो जल देवता कैसे थालियां भर भर करके रत्न ले आया। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर। तो बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। ये हद की बात नहीं, ऐसे नहीं कोई देवता निकल आएगा सागर से रत्न लेकर के, ये बेहद की बातें हैं। इतनी करोड़ों आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। सब आत्माएं अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से। हर एक का तख्त अलग अलग प्रकार का है, फीचर्स चेहरा एक न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इसको कहा जाता है एक के फीचर्स, एक का चेहरा न मिले दूसरे से। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत, कुदरत शब्द का अगर इंग्लिश करते हैं ना तो वो अर्थ कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अलग ही कहेंगे। कुदरत को क्या कहेंगे? नेचर। अब नेचर की बात, और ये कुदरत माना इतना विचित्र है जो इसकी किसी से भेंट हो ही नहीं सकती है। कैसे एक एक का फीचर अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो ही नहीं सकता है। आत्मा से सूक्ष्म वंडर कोई हो ही नहीं सकता है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाठ बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं है, वो तो केवल साक्षात्कार के लिए है। बाकी जो पाठ है आत्मा में भरा हुआ, इसके लिए शरीर लेती, वो तो सृष्टि पर ही है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। ये नॉलेज है, ऐसे नहीं, हाँ नॉलेज है, शिव बाबा के ज्ञान देते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। हर एक के अंदर क्या सोच चल रहे हैं वो बाबा सबका एक एक का बैठ के जानने वाला है, नहीं। बाबा कहते ये नॉलेज जानते हैं, नॉलेज जानते हैं कि इस समय कैसी सब आत्माएं हो गई है, ये नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, तुम भी ये नॉलेज जानते हो। जो बाबा में नॉलेज है वो तुमको भी बाबा देते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी समझ रहती है ना, समझ रहती है ना कि इस नॉलेज से ही हम कितना ऊंच पद पाते हैं। तो बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है, तो ज्ञान तो आ न सके। यहाँ लाखों वर्ष की आयु देने से कैसे झाड़ का ज्ञान या चक्र का ज्ञान पता चलेगा, तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो, इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो, ये है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो, पूरे ब्राह्मण नहीं हो, बाबा कहते हैं। पूरा ब्राह्मण कब बनेंगे? पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। बाबा को
अफसोस तो होता है ना, ऐसे अच्छे अच्छे मेरे ब्राह्मण बच्चे, वो ब्राह्मण बनते हैं फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है शूद्र बनना। इसको क्या कहा जाता है ब्राह्मण से? इसको कहा जाता है माया से हार खाना, माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। अब माया की गोद में गए तो भ्रष्ट ही बनेंगे ना, तो कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति और फिर बाबा कहते हैं सेकंड में पूरी दुर्दशा। सेकंड में जीवन मुक्ति और सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। ऐसे कैसे दुर्दशा हो जाती है? बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। हाँ, फिर माफ़ी मांगते हैं, चलो उनको माफ़ भी कर लेंगे, फिर आने भी देंगे क्लास में, और कोई तो फिर हाँ अच्छा ठीक है नहीं है नहीं आएंगे ठीक है बन गए शूद्र। हाँ, तो कोई कोई तो बच भी जाते हैं, तो कोई फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते हो। बाबा से कई बार पूछा कि बाबा वो एकदम विकारी भी बना परंतु अभी वो माफ़ी मांग रहा है और कहता है मैं सेंटर पर आना चाहता हूँ, तो बाबा उनको छुट्टी दें? तो बाबा उनको कहते हाँ भले दो, माफ़ी मांगे वो पत्र लिखे माफ़ी मांगे कि बाबा आगे से नहीं करूँगा तो बाबा मना नहीं करेंगे। लेकिन कई तो ऐसे ही होते हैं, इतना अभिमान होता ठीक है समझ लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है, शूद्र बन जाते हैं फिर नाम बदनाम भी करते हैं तो कितनी खिटखिट होती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। हाँ, भगवानों वाच्य तो ज़रूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है, शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है। अब शास्त्र में क्या है, बाबा कहते हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं हैं, अब ईश्वर थोड़ी बैठ के शास्त्र लिखेंगे, ये तो मनुष्यों ने लिखे हैं। तो ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं हैं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए, गीता एक है लेकिन अलग अलग टिप्पणियाँ, कितनी टिप्पणियाँ, खाली ट्रांसलेशन नहीं टिप्पणियाँ, अलग अलग उनके अर्थ। तो बाबा कहते हैं कितने नाम रख दिए हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि, ढेर नाम हैं। हर एक ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की, या क्योंकि संस्कृत में था तो उन्होंने संस्कृत में भी एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी तो है ना, तो अलग अलग अर्थ कोई निकालेगा तो भाव ही सारा बदल जाता है कई बार। तो ढेर नाम है, गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं, वो तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है, कलयुग अंत में पहुंच गए हैं। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वो है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण धर्म है ना,
ब्राह्मण कुल कहो, ब्राह्मण वर्ण कहो, ब्राह्मण धर्म कहो, कितने धर्म हैं। जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वो नाम चलता है। अब जैनी लोग महावीर कहते हैं, महावीर द्वारा जैन धर्म की स्थापना बताते हैं, जैनी लोग महावीर कहते हैं। अब तुम बच्चे सब महावीर महावीर नहीं आओ, बाबा किसको महावीर कहते हैं, यहाँ जो महारथी है, कैसे माया पर जिसने जीत पाई है वो महावीर है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सब महावीर महावीर निया हो, तुम्हारा मंदिर में यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर, बाबा कहते हैं तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राजयोग है ना, सब योग में बैठे हैं राजयोगी, राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। तो राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या, यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है, बुद्धि से काम लिया है और ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वो रख दिया है, ये मॉडल रूप में बनाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग, ये मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम का बनाया हुआ है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है, सत्युग आदि को भी तुमने देखा है। आदि, फिर बाबा कहते आदि तो संगम युग को कहा जाता है, क्योंकि सत्युग की आदि तो यहीं से होती है ना, शुरुआत। शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो आदि तो बाबा कहते हैं संगम युग को ही कहा जाता है। आदि संगम युग को कहो या सत्युग को कहो, अभी दोनों ही कह सकते हैं, संगम को भी कह सकते हैं, सत्युग को भी कह सकते हैं। संगम युग की सी नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाइए दिलवाड़ा मंदिर में। तो संगम युग की सीन नीचे दिखाइए, सब तपस्या में बैठे हैं, और सत्युग की सीन ऊपर दिखाइए, फिर राजाई ऊपर में दिखाइए। तो सत्युग है आदि, फिर मध्य में है द्वापुर, अंत को तुम देखते ही हो। कई भाई बहने कहते हैं ना, कई कहते हैं बाबा ने शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार कराए, विनाश का इतना साक्षात्कार कराया, तभी तो सब भागे, यहाँ तक कह दिया अगली दिवाली नहीं आएगी। तो विनाश के साक्षात्कार देखिए ना उन्होंने, इसलिए वैराग आ गया, फट से सब छोड़ दिया। तो कई कहते हैं बाबा अभी क्यों नहीं विनाश का साक्षात्कार कराता है, बाबा कहते अभी ज़रूरत ही नहीं है, विनाश देख ही रहे हो, प्रैक्टिकल में देख रहे हो, अभी साक्षात्कार कराने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं तो सत्युग है आदि, फिर मध्य में है द्वापुर, अंत को तो तुम देखते ही हो, अभी अंत है तो देख ही रहे हो कैसे अविनाश होता रहता है। ये सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापुर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है, यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, सब कितने मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियाँ हैं, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, तो भारत में देखो कितने मंदिर है, हाँ गली गली में मंदिर तो ज़रूर होगा भारत में। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वो अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं, मिलिट्री के जहाँ कैंप्स होते हैं ना, ये कैंटोनमेंट होता है, वहाँ पर भी सब कुछ है, मंदिर है, सब कुछ उसके अंदर ही होता है। तो जो जिस धर्म का है वो अपने अपने स्थान पर जाके पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते, जो भी अपने अपने, पर वो सब उसके अंदर ही होता है। तो बाबा कहते हैं वो अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं,
भारतवासी अपने कृष्ण व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का भी बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, ये तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अभी क्या है, इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। इसीलिए ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन या रात, या शंकर का या विष्णु का, ब्रह्मा के लिए कहेंगे दिन और रात में आते हैं, तो क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें, प्रश्न है, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का, अगर दोनों को रखना है तो ब्रह्मा है रात का और फिर वही विष्णु बनता है, तो वो दिन का, वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है, ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, हाँ बच्चे ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान, कहाँ सतो प्रधान कहाँ तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरण करनी है, ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं, अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड। अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे गॉड आकर लिबरेट करते हैं, गाइड बनते हैं, फादर कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज ज़रूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना, हाँ बिना पास हुए थोड़ी याद करेंगे, ज़रूर होके गया है गोल्डन एज, सतयुग और पैराडाइज क्या क्या नाम रखा है उनका, गोल्डन एज ज़रूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, हम जो बन रहे हैं पर उसके लिए दैवी कर्म भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम हद बेहद से परे पार जाते हो, हद सतयुग बेहद कलयुग, परंतु तुम अभी घर जा रहे हो तो हद बेहद से भी पार। तो बाबा कहते हैं बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है, हरे का पाठ साक्षी हो देखना है, कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते, भगवान की गोद लेने के बाद रावण की गोद में कैसे जा सकते हैं, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना, तो डूबने वालों को बचाने वाले खुद थोड़ी डूबेंगे। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स, खंबे होते ना
तो व्यर्थ संकल्पों के खंभे, तो व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। कोई भी छत को मजबूत बनाना है तो अभी ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ेंगे तो टूट सकती है, तो पिलर्स लगाते हैं उसको और मजबूत करने लिए। तो ये माया के पिलर्स है, व्यर्थ संकल्प के पिलर्स लगा के उसको मजबूत करते हैं। तो माया कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, खंभे लगाती है। क्या बार बार यही संकल्प देती है? अब सुनो, माया के पिलर्स कौन से हैं? बार बार यही संकल्प देती है माया कि ऐसा तो होता ही है। हाँ, ये अलबेलेपन की निशानियाँ, ऐसा तो होता ही है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरी तो रहेगी ना। अब ये व्यर्थ संकल्पों के पिलर लगाते हैं। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, वो पिलर्स लगाओ ताकि बाबा से मेरे सर्व संबंध इतने मजबूत हो जाए। व्यर्थ संकल्पों के पिलर्स नहीं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण संतुष्टता है, वो ताज है, सब सारे श्रृंगार का ताज है संतुष्टता। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 7 तारीख है। हाँ, तो सफलता मूर्त बनने के लिए क्या होना, क्या करना है? सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि ये बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं ये कार्य। ये चेकिंग की कसौटी सदा याद रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।